अगर लक्ष्मी नहीं आ रही किसी कारणवश, कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी पांच प्रदोष या पांच सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंद कैश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो, चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। पांच प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको एक प्रदोष दो प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा, कैसे ही लगाए वो लगा। शंकर भगवान को भस्म अति प्रिय है। बेलपत्री किसका प्रतीक है? माता पार्वती। जम्मा जगत जननी जगदम्बा, आप लोगों ने अभी नवरात्रे गए हैं तो नवरात्रे में दर्शन किया होगा, माता का जहां यज्ञ होता है, सप्तसती से यज्ञ हो चाहे माँ अम्बे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है, उसमें बेले के फल की भी आहुति लगती है। उस भस्म की बड़ी प्रबलता, बेल का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे की जो भस्म तैयार कर जाती है, उसका बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। हम तो यहां तक कहेंगे देसी गाय का घी हो, कौन सी गाय का? देसी हो, जर्सी नहीं, देसी गाय का घी हो, देसी गाय के दूध से जो घृत का निर्माण हो वो घी हो, और बेले का जो फल का गुर्दा जलाओ, उसकी भस्म अगर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बनाई हो, मान लो अगर कोई बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, और पहले देख लेना उसके नीचे बनाते समय कहीं मधुमक्खी तो नहीं लग रही, नहीं तो दादा तुम्हारा क्या बस सर, तुम तो वहां आग लगा दो ना, मधुमक्खी तुम्हें निपटा देगा। हो जाता है। एक बार हमारे वो कार्यकर्ता है ना बंटी जी, तो वो उनके परिवार के साथ में कहीं पिकनिक मनाने गए, और पिकनिक मनाने गए तो बढ़िया उन्होंने माँ पेड़ के नीचे कंडा जलाया बाटी सेकने के लिए। अब ये तो सेक रहे थे बाटी, ऊपर से आ गई मधुमक्खी, इनको बना दिया डबल रोटी, सब पड़े हॉस्पिटल में। तो खबर मिली, हम लोग कथा में थे कि साहब ऐसा ऐसा हो गया, हमने कहा मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया, हाँ तो गए कहाँ थे? तो क्या पिकनिक मनाने गए थे? तो भोजन घर से नहीं ले गए? कि नहीं घर से तो दाल ले गए, तो बाल्टी तो वही बनाई, अब बस वो इनने बाटी बनाई, उन्हें डबल रोटी सेक दी। तो इसका भी ध्यान रखना, नहीं मालूम पड़े तुम लोग तो सियोर वाला महाराज ने बोला था कि बस मत किया, इसलिए घर में कर लो तुम, तो रेन दो दादा तुम हो। और उसका भी एक महत्व है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेल के फल का गुर्दा की अगर थोड़ा सा भी सूखा हुआ कहीं बेल का फल का गुर्दा मिल जाए, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करें, उस भस्म को पीस लें, पीस कर उसको
काजल जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज, शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को पहले वो पीस के शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसको लेकर आकर उसमें गाय का, देसी गाय का, उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर कर मस्तक पर मात्र या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखकर आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके पास जाना पड़ेगा, 6 दिन जाना पड़ेगा, पर कार्य सफल होगा ही, उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो केवल बेल की कालोच नहीं गई है, वो स्वयं काल का तुम्हारे साथ गई, स्वयं पार्वती माँ तुम्हारे साथ गई। भस्म शिव जी को प्रिय, उस भस्म का प्रयोग बड़ा सुंदर। चपटी भवूत में है खजाना कुबेर, शंकर भगवान का अनुमोदन स्मरण शिव महापुराण की कथा कहती सुख देने वाला। कभी कभी भगवान का अगर स्नान कराने जा रहे हो शिव मंदिर में, या अपने घर पर भी आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, प्रयास करा करो, कभी कभी बाजार में से चंदन अगर मिल जाए लाल तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बेलपत्री की जो तुम डंडी और फेंक देते हो पत्ती तोड़कर, उसी डंडी को सुखा लीजिए और उसको पत्थर पे घिसकर उसका चंद मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दीजिए। कोई विशेष कार्य के लिए बता रहे हैं, जब बहुत विशेष कार्य है, बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है या जॉब के लिए जा रहा है और नहीं हो रहा काम, तो उस बेटे से कह दे ये डंडी को घिस, बेलपत्री की जड़ को घिस और इसको घिस कर इसको पानी में मिला और पानी शंकर को चढ़ा।